हाय टू एवरीवन, कैसे हो आप सब। पहले तो मैं ये मास्क उतार लेती हूँ क्योंकि बस में जाने वाले थे, इसीलिए मैंने पहले से ही मास्क पहन रखी है। अभी तो फिलहाल मैं रेडी हो गई हूँ, नाश्ते भी कर लिए हैं, और जैसे ही प्रिया आएगी तो भैया हमें लेके बस स्टैंड पर छोड़ देंगे। तो चलिए वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब कुछ करिए, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। फिलहाल तो अब हम बस स्टैंड पर पहुंच चुके हैं। तो भैया ने हमें बस स्टैंड पर छोड़ के घर लौट गए हैं। अब पहुंच गए होंगे। तो हमने बताया नहीं ना कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। एक्चुअली प्रिया अपने मामा जी के घर जा रही थी। मौसी भी आने वाली है, हम उनका वेट कर रहे हैं यहाँ पर। और वैसे भी बस भी नहीं आया है, बस का टाइमिंग हमें पता नहीं था, इसलिए पहले आ चुके हैं। फाइनली आधा घंटा वेट करने के बाद फ़िलहाल बस आ गया है, करीब 10 बजे। एक्चुअली हमें बस का टाइमिंग पता नहीं था, इसीलिए हम आधे घंटे से वेट कर रहे हैं यहाँ पे। और ये लोग बस आ गए। तो हम लोग जा रहे हैं फुलवानी, यहाँ से करीब 80 किलोमीटर दूरी पर है। लगभग 3 घंटे लगते हैं यहाँ से जाने के लिए। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि ये ब्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाला है। चलिए मिलाती हूँ प्रिया की मौसी से। ये है प्रिया की मौसी और वो शिवानी है, और शिवांश मौसी के पास बैठी है। क्योंकि मैं उड़ीसा से बिलोंग करती हूँ तो आपको मेरी वीडियो में काफ़ी हद तक उड़िया लैंग्वेज भी सुनने को मिलेगा। तो ये देखिए, बस में मस्ती करते हुए बच्चों के साथ हमारा सब व्यवस्थित हो गया है। बस एक्चुअली ना मैं तो नाश्ता करके ही घर से निकली थी, पर ये लड़की ना बिना नाश्ता किए घर से आई है। तो यहाँ से दही बड़ा ले जाएंगे, और वैसे भी बस निकलने का टाइम हो गया है तो यहाँ पर रुक कर खा नहीं सकते, तो बस में सफ़र करते हुए खा लेंगे। Thank you.
एक्चुअली यहाँ पहुँचने के बाद ना मैं खाना खा के थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और तभी सूची आ गई है, हम लोग जा रहे हैं उनके घर उसके साथ। के लिए ये है सूची और ये है उनका घर। और इसके साथ चलिए मैं आपको उनके घर का एक छोटा सा होम टूर, नहीं मिनी होम टूर दे देती हूँ। Thank you.
एक्चुअली हम लोग ना घर के पास ही एक नदी है, यहाँ पे एक मंदिर है, रुके दिखाती हूँ, ये वाला मंदिर वहाँ पे उस तरफ है और ये दोनों फोटो खींचने में बिजी है। फिलहाल तो हम लौटने वाले हैं क्योंकि अभी शाम होने को है, सूरज ढलने लगे है, काफ़ी सारे फोटोज़ खींच चुके हैं, फिलहाल तो लौट रहे हैं और देर करेंगे तो अंधेरा हो जाएगा। ये देखिए कितने सुंदर सा नज़ारा है, सूरज ढल रहे हैं। फोटोज़ खींचनी है क्या किसी को? क्यों नहीं। और ये आप लोगों के लिए है, वो प्रेयर कर रहे हैं ना, इसलिए धीरे धीरे से बोल रही हूँ। शाम के 7 बजे हैं, प्रेयर ख़त्म हो गया, मार्केट के लिए निकल रहे हैं।
पापड़ी चाट का वेट कर रहे हैं, ये लो आ गई। कैसा बना है ये तो आप इसके एक्सप्रेशन से ही जान लो। तो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो को पूरा देखने के लिए, बहुत सारा प्यार देना इस ब्लॉग को, लाइक शेयर कमेंट सब कुछ करना, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूले, ठीक है। थैंक यू सो मच।